आखिर क्यों कैसे हुई उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की तैयारी। जय हिंद, मैं मोहम्मद जैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। दंगा देश और समाज के लिए कलंक है, इसे हर भारतीय को समझना होगा और साथ ही साथ जितना दंगा कराने वाले दोषी हैं उससे ज्यादा वो लोग जिम्मेदार हैं जो देश के गंदी राजनीति के झांसे में आकर दंगा भड़काने के लिए अब शब्दों का प्रयोग कर भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं। पिछले सप्ताह हुए कानपुर दंगा अभी पूरी तरह निपट भी नहीं पाया था कि दूसरे ही शुक्रवार देश सहित प्रदेश में कई जगह प्रदर्शन और बवाल होने लगे। दिल्ली की जामा मस्जिद से शुरू हुआ प्रदर्शन कब टीले वाली मस्जिद तक पहुंचा पता ही नहीं चला। पैगंबर इस्लाम पर भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की अभद्र टिप्पणी के बाद से भारत सहित कई देशों में मुसलमानों का प्रदर्शन जारी है, जबकि भाजपा ने दोनों प्रवक्ताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मगर देश के मुसलमान नुपुर शर्मा के गिरफ्तारी की मांग लगातार कर रहे हैं। इस्लामिक देशों के दबाव के बाद भाजपा हाईकमान जागी तो, मगर पार्टी से निष्कासन से मुसलमान सहमत नहीं है। इसी के चलते देश में प्रदर्शन जारी रहे। प्रदर्शन कब दंगे के रूप में बदल गया कुछ समझ में नहीं आया। मुरादाबाद, प्रयागराज, मेरठ, सहारनपुर, कानपुर की तरह लोग नमाज के बाद सड़कों पर उतरे और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, जिसके बाद कुछ उपद्रवियों ने प्रदर्शन को दंगे का रूप दे दिया। मगर इसे दंगा कैसे कहें, क्योंकि प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव कर रहे थे। इसे विरोध प्रदर्शन कहा जा सकता है, उपद्रव कहा जा सकता है, मगर कुछ भी हो प्रदेश में भय का साम्राज्य हो चुका है। गरीब भयभीत है कि अगर दिल्ली भाजपा सरकार टीवी डिबेट के बाद तुरंत हरकत में आई होती और नुपुर शर्मा की नवीन जिंदल पर मुकदमा लिख दिया जाता तो शायद देश सहित प्रदेश के हालात ऐसे न होते। सोचने की बात यह है कि भारतीय मुसलमान जो बाबरी मस्जिद के समय खामोश रहा, ज्ञानवापी मस्जिद के समय खामोश रहा, हर उस मुद्दे के समय खामोश रहा, अचानक घरों से बाहर सड़कों पर कैसे आ गया, मुद्दा गर्म है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश और प्रदेश सरकार मुसलमानों को विश्वास में नहीं ले पा रही है या लेना नहीं चाह रही है। अब देखना यह होगा कि कार्रवाई किस तरीके से होगा। इस तरह का प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, गोदी मीडिया को जरूर देखें जिससे आपको एक नई सीख मिले और हमारे चैनल से लगातार आप लोग जुड़े रहें।